Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Subscribe and click the bell icon for television updates. प्लानिंग प्लॉटिंग तो कुछ पिछले दो ढाई साल से तो हम कर पा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं बस पुरानी यादों में जी रही हूँ कि हमने एक टाइम पे बहुत अच्छे से पूरे परिवार के साथ क्रिसमस मनाया हुआ है। तो एक रिचुअल होता था पूना में मेरे घर पे कि हम क्रिसमस में तो सही एक साथ सारे भाई बहन और अपने बच्चों के साथ मिलते ही थे, और न्यू ईयर्स हमेशा दिल्ली में होता है मेरे ससुराल में। तो बस यही है, तो क्रिसमस तो मुझे लगता है सेट पे होगा इस साल। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा क्रिसमस के साथ एक अलग लगाव होता है। हमको क्रिसमस मतलब गिफ्ट्स और केक और दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, एक दूसरे के घर जाना। तो हाँ, तो वो ऐसा नहीं कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हो या आप क्या फॉलो करते हो, क्रिसमस सबका ही होता है। क्रिसमस इज़ फॉर एवरीवन। तो मेरे लिए क्रिसमस बहुत स्पेशल है। हमारे स्कूल में क्या होता था, हमको वो क्रिसमस आने से पहले हमारी सारी क्राफ्ट एक्टिविटीज होती थी वो क्रिसमस के थीम पे होती थी। जैसे कोई स्टॉकिंग बनाया या फिर गिफ्ट रैपिंग सिखाते थे या फिर स्टार बनाया, एंजल बनाया, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स बनाए, तो ये सब हम इकट्ठा करते थे और अपने घर पर सजाते रहते थे। तो था वो एक एक्साइटमेंट था पहले। और ये एक एक्साइटमेंट होती है, अभी तक होती है। जब भी हम घर पे क्रिसमस ट्री होता है मेरे पुणे में, तो बच्चों से पहले हमारी मतलब हम भाई बहन जो अभी वी आर ऑलमोस्ट इन आवर 40s, बट फिर भी बचपना नहीं गया है। मेरे पिछले साल का रेजोल्यूशन था कि मैं इस आने वाले साल में मतलब 2021 में फिटनेस की तरफ ध्यान दूंगी, और काफ़ी हद तक मैं वो अचीव कर पाई हूँ। नहीं, पिछले साल पैंडेमिक में लॉकडाउन वेट फेल था। तो आने वाला जो साल है उसमें रेजोल्यूशन तो वही रहेगा ऑलमोस्ट, कि फिट रहूँ, अपने फैमिली को भी फिट रखूँ, और बस बाकी रेजोल्यूशंस में जैसे कंप्लीट होंगे वैसे डिस्कस करना चाहूँगी। फैंस की बदौलत हम हैं, उनकी वजह से ही हम हैं, और फैंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे फैंस मेरे सर आँखों पे हैं, और जैसा उनको हमारा शो पसंद आ रहा है वैसे ही आता रहे, और हमारी TRP बढ़ती रहे, हमारा शो और कई सालों तक चलता रहे, यही शुभकामना है। मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।